साबरमती गुजरात से चलकर 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचने वाली सीआरपीएफ की साइकिल रैली का कल शाम रेवाड़ी जिले के बावल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा में हर जवान का सेहतमंद होना बेहद जरूरी है। साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छी आदत है और इसे सभी को अपनाना चाहिए। महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी जितनी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सब गांधी जयंती पे साइकिल रैली के माध्यम से इकट्ठे होंगे 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पे। तो आज हमारे यहाँ सीआरपीएफ की साइकिल रैली आई है जिनका यहाँ स्वागत है और ये देश के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल हर प्रकार की हमारी रक्षा कर रहे हैं। 246 बटालियन द्वितीय कमान अधिकारी रामचंद्र ने कहा कि साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को आज़ादी को संजो कर रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर सभी जवानों ने पौधारोपण भी किया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये आज़ादी हमें बहुत सारे बलिदानों के साथ में मिली है और उस बलिदानों को हमें याद करना है और दूसरा जो है कि हमें साइकिल के द्वारा ये जो रैली निकाल रहे हैं तो सभी को फिट रहना है, एक्सरसाइज करते हुए रहना है, फिट इंडिया जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का भी हमें जीवन रखना है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही इन साइकिल रैलियों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी मिली। सरकार द्वारा चलाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और देशभक्ति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। यह सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे युवाओं को काफी प्रेरणा मिल रही है तथा युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है।